तो इलेक्शन जीतना और हारना तो एक मामूल है, एक इंतज़ामी अमूरात को चलाने के लिए हुकूमत बनती है, लेकिन एक माशरे को चलाने के लिए, हमें माशरे को ठीक करने के लिए इस टाइप्स के खिलाफ जरूर जंग छेड़नी पड़ेगी। इसमें हमारे बच्चे भी हैं, इसमें हमारी बच्चियां भी हैं। ये ड्रग बेचने वाला, जब तक ना हम इसको एक्सपोज करें, बंदूक वाला तो बहुत कम जालिम था। क्यों? वो गोली उठाता था, मारता था, एक आदमी मरता था, चार मरते थे, उसी में वो भी मर जाता था। लेकिन एक ड्रग बेचने वाला हमारे पूरे माशरे को ख़त्म करता, हमारी नस्ल दर नस्ल को ख़त्म करेगा। और मैं आज जबर साहब, मुझे पता नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट अ पार्टी, ओनली अ पार्टी इशू कि हम लोग ये करें, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्राउड फंडिंग में ये हमारे नौजवानों को एंटी ड्रग मुहिम चलाने के लिए क्राउड फंडिंग करके देखना है कहाँ है, वेरी गुड, बुखारी साहब जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपया देता हूँ एंट्री ड्रग एक मुहिम हम चलाएं, और इसको ऐसे चलाएं जिस तरह हम अचना 5 वक्त नमाज फारज, ये सोचिए कि अल्लाह ताला से शायद खतर थे यु सवाब यूँ अच्छे नमाजन हूँ, अगर अस नौजवान बच तो बची बचाओ ड्रग्स नश, इसके खिलाफ जंग छेड़ो। और सबसे बड़ी बात जो है, एक हाथ को दूसरे हाथ की पता नहीं होनी चाहिए कि कौन खाता है, कैसे बचा रखो उसको उससे, लेकिन बेचने वाले को हमें नंगा करना है। मैं जाफर साहब आपकी इस जमात को 5 लाख रुपया मीन्स आई गिव इट टू दिस जो आपके यूथ ओएस चलाएगा के खिलाफ, और ये खत्म करने वाली बात है, इसके लिए उसके बिना कोई इलाज नहीं है। मैं आज आपको, अगर मुझे आप भाई जान साहब कहते हो, ये भाई जान पे एक एहसान होगा कि आप चलाइए ये मुहिम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर चलाएंगे, क्योंकि क्योंकि ये हमारी नस्लें खत्म कर लेगी। इचुन दिवा जो बच्चा ड्रग्स करता है उसको ना आंखों में रहता है माँ कौन है, बहन कौन है, बाप कौन है, उस बच्ची को भी नहीं रहता है। तो हम अपनी नस्लें ठीक करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी बातें हुई स्पोर्ट्स की, देखो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, ये सब हो जाएंगी। ये प्रायोरिटी वैसे इस वक्त की सरकार की भी है, हम भी कल को